राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही संक्षिप्त तथा आपको बहुत तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला है। आज मैं श्री रामचरितमानस की ऐसी चौपाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमें कई समस्याओं से मुक्ति दे सकती है, जैसे विवाह में बाधा, पढ़ाई में सफलता के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, बीमारी और अशांति हो तब हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए, नज़र उतारने के लिए, शत्रु भय को दूर करने के लिए, नौकरी पाने के लिए और यात्रा में सफलता के लिए हमें रामचरितमानस की कौन सी चौपाइयों का पाठ करना चाहिए अथवा जाप करना चाहिए। आज के एपिसोड में मैं इन चौपाइयों को बताऊंगा। इसे ध्यान से सुने। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए आइए इन चौपाइयों को सुनिए और याद कर लीजिए। किसी भी प्रकार की यदि परेशानी है तो आपको इसका पाठ करना चाहिए। प्रवनौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जी हाँ, इसका जाप करने से तरह तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब आइए जानते हैं यदि बीमारी हो या अशांति हो तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुहि नहीं व्यापा। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुहि नहीं व्यापा। इसका नियमित पाठ करने से बीमारी और अशांति हो तो वह दूर होती है। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो आपको यह पाठ करना चाहिए। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साजि संवारी कै मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी कै। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साजि संवारी कै मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी कै। यदि पढ़ाई में एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं तब भी आपको इस चौपाई को पढ़ना चाहिए। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कभी उर अजिर नचा वही बानी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जी हाँ, इसका नियमित पाठ करने से पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है। इसका नियमित पाठ अवश्य विद्यार्थियों को करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति के लिए क्या पढ़ें। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। एक बार फिर से सुनिए। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। इसका नियमित पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। यदि धन संपत्ति पाने की लालसा है तो आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए। जे सकाम नर सुन ही जय गावहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। एक बार फिर से सुने। जे सकाम नर सुन ही जय गावहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। कभी कभी नजर भी लग जाती है, नजर उतारने के लिए इसका पाठ करें। श्याम गौर सुंदर दौ जोरी निरखहि छवि जननी त्रिन तोरी। एक बार फिर से सुने। श्याम गौर सुंदर दौ जोरी निरखहि छवि जननी त्रिन तोरी। इसका पाठ करने से नजर भी उतर जाती है। यदि आप शत्रु भय से ग्रसित हैं तो इसका पाठ करें।
बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। एक बार फिर से सुने। बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसको पढ़ने से शत्रु भय समाप्त होता है। यदि नौकरी प्राप्त करने में बाधा आ रही हो तो आपको यह पाठ करना चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एक बार फिर से सुने। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कहीं भी आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो यह पाठ अवश्य करिएगा, ताकि आपकी यात्रा सफल हो। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कोसलपुर राजा। एक बार फिर से सुने। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कोसलपुर राजा। यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री रामचरितमानस की इन पंक्तियों का आप जाप अथवा नियमित पाठ करते हैं तो अवश्य ही भगवान श्री राम की कृपा होगी और आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।